हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल स्टडी चैनल में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो इसके लिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले दाईं ओर जो होता है वो पूरब होता है, और बाईं ओर जो होता है पश्चिम, और ऊपर की ओर जो होता है वो उत्तर होता है, और नीचे की ओर होता है दक्षिण। इसमें दायां और बायां जब घूमने को कहा जाता है तो किस तरफ मुड़ेंगे, किस तरह पता करेंगे। देखिए उत्तर में दायां होता है इधर और बायां होता है इधर। इधर बायां आया है, अब इधर नीचे आ जाएगा दायां, फिर इसके नीचे आ जाएगा बायां, फिर नीचे यहाँ आ जाएगा दायां, यहाँ आ जाएगा बायां, फिर यहाँ पर दायां, फिर ऊपर आ जाएगा बायां। तो जिस डायरेक्शन में मुड़ने को कहा जाएगा दायां बायां, वो इसकी सहायता से हम दायां बायां मुड़ेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ माना यहाँ से चलना शुरू किया तो उत्तर की दिशा में, यानी कि उत्तर कौन सी, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कितना गया, वो 2 किलोमीटर चला गया। इसके बाद उसमें कहा गया, इसके बाद वह दाएँ मुड़ जाता है। दाएँ कहाँ होगा, उत्तर में दाएँ होता है देखिए इधर की ओर, तो वो इधर की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर यह चलता है इधर की ओर। फिर उसके बाद वह बाएँ मुड़ जाता है। बायां कहाँ होगा, अब जब इधर की ओर आ गया तो इधर कौन सी दिशा होती है, पूरब। तो पूरब में बायां किधर होता है, ऊपर की ओर। तो अब वो ऊपर की ओर मुड़ जाएगा और कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, तो अब ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, डी आंसर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है दूसरा। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की, यानी कि पश्चिम किधर होता है, इधर की ओर। तो इधर की ओर यानी यहाँ से ए चला, ये यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, दूरी तय की, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो बायां किधर होता है, पश्चिम में नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है, तो नीचे आया तो दक्षिण में आया, दक्षिण में दायां होता है इधर की ओर ये, तो इधर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर मुड़कर 9 किलोमीटर गया। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, तो उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चला गया ये। तो अब उसमें बताना है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये दूरी और ये दूरी बतानी है हमें। तो ये दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ पी से क्यू की दूरी, तो पी से क्यू की दूरी कितनी है, 9, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5, तो 9 प्लस 5 यानी कितनी दूरी चला हुआ, 14 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है तीसरा। सीमा अपने घर से यात्रा के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय कर पटना पहुंचती है। यहाँ से यानी कि इसने यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी तय की और पटना पहुंच गई, पहुंचती है, और फिर दाएं मुड़कर दाएं घूमकर 30 किलोमीटर चलती है। तो दायां नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर घूमकर कितना चलती है, 30 किलोमीटर चलती है और छपरा पहुंचती है, तो ये छपरा पहुंच गई। इसके बाद फिर वह वहां से दाएं मुड़कर 80 किलोमीटर की दूरी तय कर सिवान पहुंचती है। तो दाएं मुड़कर 80 किलोमीटर की दूरी कहां पहुंचती है, वो सिवान पहुंचती है। सिवान अंत में वह फिर दाएं मुड़कर 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ऊपर दाएं की मुड़कर वो कितना चलती है, 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। प्रारंभिक स्थान से अंतिम बिंदु के मध्य दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ से पी और क्यू की दूरी बतानी है हमें। पी और क्यू की दूरी कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, आर क्यू पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये 30 कैसे होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50, और यहाँ वो 80 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये है 50। तो 80 में से 50 घट जाएगा, तो ये बचेगी आर क्यू, बचेगा 30। फिर इसके बाद हमें आर पी चाहिए, तो आर पी कितना होगा, ये पूरी यहाँ से पी से लेके सिवान तक की दूरी है 70, और यहाँ से लेके आर से लेके सिवान तक की दूरी जो है वो है 30। तो यहाँ से यानी कि 30 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 40। अब ये ट्राइंगल हो गया, एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, ये देखिए पी क्यू और आर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल में क्या होता, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या हो गई हमारी, पी क्यू हो गई, आधार कितना है हमारा, आधार का वर्ग हो जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1600, 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 900। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2500 का रूट, जब रूट स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 50। तो सीमा ने कितनी दूरी यात्रा की, 50 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है चौथा। प्रकाश ने बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, यानी कि यहाँ से पी से दक्षिण की ओर नीचे की ओर होगा, क्योंकि दक्षिण क्या होता है, नीचे की ओर होता है। कितने किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर। फिर बाद में बाएं मुड़कर, यानी कि दक्षिण में बाया किधर होता है, इधर, तो बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, बिंदु क्यू पर पहुँचता है। फिर पी व क्यू के बीच की दूरी सरल रेखा की दूरी कितनी है, तो यानी कि ये दूरी बतानी है हमें, फिर से वही
ट्राइंगल बन गया ये PQR, ये ट्राइंगल बन गया। इसमें क्या होगा, ये कड़ होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है नीचे वाला। तो अब क्या होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है इसमें 30, तो 30 का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, इन्हें जोड़ेंगे तो फिर 2500, इसका रूट निकालेंगे तो 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। और उसने कहा है और दिशा भी बतानी है, तो दिशा कौन सी होगी, दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व, नीचे की ओर दक्षिण और इधर की ओर पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी 50 किलोमीटर, 50 मीटर और दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, राजेश 9 मीटर पश्चिम की दिशा में जाता है, तो यहाँ से 9 मीटर ये पश्चिम की दिशा में गया। उसके बाद उसने कहा है चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, तो पश्चिम में जाने के बाद दायां किधर होता है, ऊपर की ओर, ये देखिएगा यहाँ दायां पश्चिम में ऊपर की ओर होता है, तो ऊपर की ओर पश्चिम में दायां होता है ऊपर की ओर, ये मुड़ गया दायां ऊपर की ओर और 7 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर उसके 8 मीटर की दूरी तय की है, तो दाईं ओर मुड़कर उसने क्या करा, 8 मीटर की दूरी यानी कि यहाँ से लेके इधर को 8 मीटर की दूरी तय की, फिर वापस मुड़कर 11 किलोमीटर आया, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 8 वापस आया और 3 इधर चला गया, 11 हो गया, तो 3 वापस 11 किलोमीटर आया। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, तो पूरा में दाया होता है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मुड़ेगा कितना चलता है, 7 मीटर चलता है। बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ ये नीला बिंदा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है कितनी हो जाएगी, 6, तो इसका आंसर होगा 9 - 3 6 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।